आप साउथ केल कोल ट्रेन GU49049 949 लोकोमोटिव के साथ सनावा स्टेशन पर पहुंच रही है। तो आज हम इसका जो है ना सनावा स्टेशन से थ्रू पास देखेंगे, यानी कोयले वाली गाड़ी है तो डेफिनेटली रुकेगी तो नहीं, अगर ड्राइवरों ने यानी कि पानी वगैरह भरना हो कूलर में तो फिर यानी कि रुकेंगे इधर, ये नलके से पानी भरेंगे, अदरवाइज गाड़ी जो है थ्रू होगी सनावा से। तो GU49049 के साथ दाऊद खेल कोल ट्रेन का थ्रू पास देखने के लिए तैयार हो जाए। बाकी इससे पहले जो है ना 129 अब गई है, तो 129 के फ़ौरन पीछे इसका डिपार्चर हुआ है महमूद कोट से। तो आज डेट है 18 मार्च 2024, टाइम हो चुका है सुबह के 9:15। तो देखते हैं फिर 949 के साथ DKLC यानी दाऊद खेल कोल ट्रेन सनावा से थ्रू पास होते हुए। इससे पीछे भी एक कोल ट्रेन सेक्शन में है, यानी GU49049 के साथ एक कोल ट्रेन सेक्शन में है। इसके अलावा डाउन की दो गाड़ियां भी सेक्शन में हैं, जिनमें डाउन KYC स्पेशल यानी कराची कैंट स्पेशल 4731 के साथ, और डाउन ZBKH 5221 के साथ, और डाउन आयल स्पेशल ट्रेन 8213 के साथ। इतनी ट्रेनें यानी कि हमने जो है ना पहले कभी, यानी कि मैं जब से रेल फेरिंग कर रहा हूँ मैंने कभी इतनी ट्रेनें जो है ना एक साथ अपने सेक्शन पर पास होते हुए नहीं देखी, यानी डेली की 3-4। तो आजकल जो है ना ट्रेनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं हमारे सेक्शन पर, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो अब मैं 129 की वीडियो पहले इधर सनावा में स्टेशन पर बनाने आया था, तो इसका फिर डिपार्चर हुआ है गुरमानी से, तो मैंने कहा चलो आज इसकी वीडियो भी एक न्यू लोकेशन से बना लेते हैं। तो आपने देखना है 949 का थ्रू पास, जैसे ये भाई जो है ना टोकन देंगे गाड़ी को, PLC पेपर देंगे, यानी छोटी सी चिट जो है उसमें वो गोल रिंग में बंधी हुई होगी, और ड्राइवर उधर से कैच करेंगे। अगर गाड़ी रुक गई फिर ऐसा नहीं होगा, अगर ना रुकी यानी थ्रू पास हुई तो फिर ये भाई जो है ना टोकन देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक दिलचस्प मंज़र, यानी कि तो गाड़ी अब फाटक से पास हो गई है, जिस फाटक में पहले वीडियो बनाता हूँ। तो अब इसका अगला पड़ाव है सनावा स्टेशन। तो मेन लाइन का सिग्नल इसके लिए डाउन है, यानी लूप लाइन तो वैसे भी ख़राब है ना सनावा स्टेशन की। तो अगर मिसाल के तौर पर कोटादुबी एक कोई गुड्स ट्रेन ठहरी होती तो उसको कोटादुबी ठहराया जाता, क्योंकि सनावा में लूप लाइन ख़राब है। तो ये गाड़ी अब थ्रू ही होगी, लोडेड गाड़ी यानी कि लूप लाइन पे नहीं ठहर सकती, वैसे तो दूसरे स्टेशन पर तो ठहर सकती है, सनावा स्टेशन की जो लूप लाइन है ये ख़राब है, इधर लोडेड गाड़ी नहीं ठहर सकती। तो इस ट्रेन के साथ 3300 टन का लोड लगा हुआ है, कोचेज जिनमें 1 ZNRV और 39 ZBK है, और एक इंजन 41 का टोटल लोड। 949 की सिरे ऊपर वाली दो लाइट्स ऑन है, ये मैं अब जो है सनावा स्टेशन के प्लेटफार्म पे ठहरा हूँ, और ये सामने आपको सनावा स्टेशन का बोर्ड नज़र आ रहा है। ये भाई अभी जो है ना टोकन ले आएंगे रिंग में, तो गाड़ी का थ्रू पास होनी होगी, तो ड्राइवर इधर से ही यानी कि इसको कैच करेंगे। इस ट्रेन का सारा लोड जो है वो ZBKH रेक में है। और अच्छी स्पीड से थ्रू पास होगी लगता है।
काफ़ी अच्छी स्पीड से थ्रू पास हुई है टीकेएल कोल्ट्रेन। आपने देखा होगा ड्राइवर ने टोकन बाल जो है कैसे एक्सचेंज किए। डाउन ZBKH प्लस ZBKC स्पेशल गुड्स ट्रेन RG24 5221 लोकोमोटिव के साथ सनावा स्टेशन से चल पड़ी है अब, और इसके साथ 13 ZBKC की कोचेज और 27 ZBKH की कोचेज लगी हुई हैं। और RG24 5221 जो है ये RG20 सीरीज़ का लास्ट लोकोमोटिव है, यानी RG24 सीरीज़ में टोटल 21 लोकोमोटिव हैं जिनकी यानी कि नंबर लिस्ट है 5201 से 5221 तक। और 5221 अब जो है RG24 सीरीज़ का लास्ट लोकोमोटिव अब ZBKH ट्रेन के साथ सनामा पहुँच रहा है, और इसमें जो है ना RG24 सीरीज़ में 5202 5206 और 5215 ये तीन लोकोमोटिव जो हैं ये परमानेंटली यानी कि डिलीट हो चुके हैं। और सॉरी 5202 जो है ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ, अभी सील वर्कशॉप में है मोगलपुरा में, तो उसका जो है ना उसकी डिलीटमेंट हुई थी तो उसका अभी कन्फर्म नहीं है कि वो बनता है या फिर परमानेंट डिलीट होता है। बाकी 5215 और 5206 ये परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। तो अभी गाड़ी जो है सनावा स्टेशन पर 20 मिनट्स तकरीबन रुकी रही है, ड्राइवरों ने जो है ना इफ्तारी की है, तो अब 6:45 पर गाड़ी का डिपार्चर हुआ है सनावा से। बाकी आज डेट 18 मार्च 2024 टाइम हो चुका है 6:45, तो देखते हैं फिर आखिरी RG24 लोकोमोटिव 5221 के साथ डाउन ZBKH प्लस ZBKC स्पेशल ट्रेन। 5221 जो है ये 8 नाच वाली पावर है और ट्रैक्शन मोटर्स इसकी 6 है। वैसे ये 2400 हार्स पावर का इंजन है लेकिन, और इसकी हॉलिंग कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 2000 हार्स पावर है, यानी 2000 टन का लोड ये इजीली हॉल कर सकता है। लेकिन आजकल जो RG24 के लोकोमोटिव हैं ये है समझ लें कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, यानी 1500-1600 टन का लोड खींच सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ पावरफुल लोकोमोटिव्स भी बाकी हैं जो कि तकरीबन 2300 टन का लोड भी हॉल करते हैं, जिनमें RG24 5201 5211 और 5218 ये तीन लोकोमोटिव हैं, ये मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव हैं RG24 सीरीज़ के। और इनके साथ जो है ना कुछ दिन पहले ही गुड्स ट्रेन लगाई गई थी 2300 टन की। ये RG24 लोकोमोटिव का स्वीटेस्ट विसल। तकरीबन 60 की स्पीड से डाउन ZBKH स्पेशल पास हुई है 5221 के साथ। बहुत ही मज़ा आ गया आज तो ट्रेन देख के।